मॉर्निंग हम लोग पढ़ रहे थे शक्ति संसाधन, जिसमें हम लोगों ने बहुउद्देशीय परियोजनाएं के बारे में जान रहे थे। भारत में किस तरह नदी घाटी परियोजनाएं और बहुउद्देशीय परियोजनाएं विकसित हैं, कहां कहां पर विकसित हैं और ये किस तरह ये भारत का विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। तो उसमें पहले हमने पढ़ा था पहला भाखड़ा नांगल परियोजना, दूसरा है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। ये आपको परियोजना दामोदर नदी पर बनाया गया है और ये भयंकर बाढ़ से झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को ये बचाने का काम करती है। ये आपको दामोदर नदी पर ये आपको बनाया गया है और ये पश्चिम बंगाल और झारखंड को भीषण बाढ़ से बचाने का ये काम करती है। इसके साथ में इसमें 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन इसमें किया जाता है। तीसरा है आपको तीसरा दामोदर घाटी पहला, तीसरा है कोसी परियोजना। ये भी आपको कोसी नदी पर और ये आपको भी बाढ़ से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि इसको बिहार का शोक नदी भी कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। क्योंकि ये बहुत अधिक बाढ़ की विभीषिका लाती है और बाढ़ से पूरी तरह ये हर चीज को तबाह कर देती है। तो ये आपको नेपाल में हनुमान नगर जो कि नेपाल में है इस जगह पर ये कोसी परियोजना विकसित है, जिसको बांध बनाया गया है बाढ़ से रोकने के लिए। और यहां पर 20,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है इस आपको 20,000 मेगावाट नहीं किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है 20,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है आपको कोसी परियोजना से, जो उत्तर बिहार के आपको हनुमान नगर नेपाल में, हालांकि ये जगह नेपाल में पड़ता है, इस जगह पर ये विकसित किया गया है बांध बनाकर होता है। चौथा है रिहंद परियोजना। आपको ये सोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर आपको स्थित है, ये आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये सोन नदी की सहायक नदी परिचित है उत्तर प्रदेश में स्थित है सोन की सहायक नदी रिहंद नदी, जो वहां पर नाम है इसका, उसी पर ये आपको सोन की सहायक नदी है वहां पर स्थित है। और ये आपको यहाँ पर बिजली उत्पादन की जाती है। इसमें एक कृत्रिम झील गोविंद पंत सागर ये आपको कृत्रिम झील है, इसका भी विकास आपको इस नदी पर किया गया है। कृत्रिम झील का विकास, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, इस झील का विकास इसमें आपको किया गया है। इसमें 30 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है इस परियोजना के साथ। तो ये आपका हो गया चार रिहंद परियोजना। अभी है और भी इसमें आपको परियोजनाएं, लगभग 4 या 5 परियोजनाएं और हैं, लेकिन आज के लिए आपको वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी ये 4 तक हुआ रिहंद परियोजना, ये काफी आपको इम्पोर्टेंट है, आपको इसको लिख सकते हैं और किताब की मदद जरूर लीजिए, किताब जरूर पढ़िए। किताब पढ़ने से आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।